Wait. कौन है ऊपर? कौन है? ये क्या? ये बाइक मोड़ रहे हैं फिलहाल, तो बैठ के अपनी बाइक पे, और पानी की बस फिर से आ रही है। उन्होंने बाइक स्टार्ट कर लिया। ये गाड़ी में तो कुछ चोरी नहीं कर रहे थे, नाम है ओम। और आज मैं जहाँ पे आके खड़ा हूँ, यहाँ पे आने की मेरी इच्छा बहुत दिनों से थी, बट मैं आ नहीं था क्योंकि डर की वजह से। क्योंकि यहाँ की जो कहानी है, ये एक तरफ रोड देख रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा, यहाँ की तरफ एक रोड है और यहाँ से गया हुआ है रोड। लोग अक्सर कहते हैं कि ये रोड थोड़ा सा 2 किलोमीटर का पड़ जाता है, ये होगा 500 मीटर का, मतलब ये जाके वहाँ की तरफ एक रोड है। बट इस रोड पे कहते हैं कि एक चुड़ैल है, मतलब हुआ कहते हैं कि ना एक ना माँ थी, उसके बेटे को मतलब छिया झपटी करके, छिया झपटी वाले होते हैं, उन्होंने उसको बेटे को मार दिया था और उसको मार दिया था। तो कहते हैं उस दिन के बाद वो माँ सबसे बदला लेने के लिए इस रोड पे यहाँ पे लोग को दिखती है। और ऐसा हुआ, ऐसा मतलब कि ऐसा इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई, इतनी ज़्यादा मौत हो गई कि इस रोड को बंद करना पड़ा। इस रोड को बंद कर दिया गया और मिट्टी डाल दी गई ताकि लोग आगे ना जाए। लोग को क्या होता था, जैसे यहाँ के जो नॉन लोग हैं, जो यहाँ के आसपास के गांव के हैं, वो लोग आएंगे, वो लोग इस तरफ मुड़ जाया करते थे। बट जो जो मतलब जो ऐसे कोई नया है जिसको नहीं पता, वो यहाँ से सीधा जाता था, और सीधा जाता था इस थोड़े से 500 मीटर के रोड पे ही उसकी मौत हो जाती, क्योंकि इस तरफ शायद नदी है, इस तरफ बहुत खाई है, तो इसमें गाड़ी अक्सर गिर जाती थी। और कई लोग को बेहोश मिले, कई लोग सड़कों पे गिरे हुए मिले, कई लोग को कहना कि आज भी वो माँ खड़ी होती है, उन लोग के गाड़ी के पीछे भागती है, उन लोग की गाड़ियाँ गिरा देती है, वो माँ ना सबसे बदला लेती है। देखो माँ माँ होती है, चाहे वो कैसी भी हो, शायद उसके बच्चे का बहुत बुरा हुआ था, उन्होंने डकैतों ने जो भी बोले थे, उन्होंने उसके बच्चों को मार दिया। लाइक होता ना कि अपने बच्चा पकड़ लिया उन्होंने, कि जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो वरना तुम्हारे बच्चा मार देंगे। तो उस बच्चे को मतलब उन्होंने मतलब शायद ना दिया होगा या कुछ किया, एक आवाज़ है उस तरफ से, ना दिया होगा, तो उस वजह से उन्होंने बच्चे को मारा। उसके बाद माँ भी गुस्से में आ गई, तो माँ ने शायद उन्होंने माँ ने साथ छीनने वाले की कोशिश की होगी या फिर हमला किया होगा, तो वो गुस्से में आकर उन्होंने माँ को मार दिया, बच्चे और माँ को मार दिया। जो हस्बैंड है वो भाग गया था वहाँ से निकल के, मतलब बच गया था। तो उसके बाद माँ यहाँ पे दिखती है, देखो मैं रोड दिखाऊंगा। और ऐसा हुआ था कि जो सरपंच है उसने यहाँ का रोड बंद करा दिया। जो पंडित है ना, पंडित ने कोई गाना गा रहा है, जो पंडित है, पंडित ने आके बोला कि इस रोड को बंद करवा दिया जाए वरना यहाँ पे मौत ऐसे होती रहेंगी। तो ये रॉन्ग टर्न है, मैं जाके देख रहा हूँ कि क्या मुझे यहाँ उस माँ मेरे से बात करती है, जो भी माँ है मेरे से प्यार बात करने की कोशिश करूँगा, या फिर वो मुझे भी यहाँ से भगा देती है। तो चलो चलते हैं इस जगह पर, देखते हैं कि क्या होता है। रात, इतनी ज़्यादा रात, मैं आपको दिखाऊँगा टाइम, और ये चाचा यहाँ से जा रहे हैं, आई डोंट नो, अजीब से लग रहे हैं मुझे। और मैंने कहा ना गाने की आवाज़ आ रही, तो ये उन्हीं की आ रही थी, वो उस तरफ से आ रहे थे। तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी है कि इतनी रात को पूरे सोल ओढ़ के बहुत चले गए, उस तरफ गायब हो गए। आपको एक बार जगह दिखाता हूँ पूरी, तो आपको जगह दिखाऊँ, तो ये रोड गया है इस तरफ, ये वो रोड है अभी जिसमें अभी चाचा गए, वो जो कौन था पता नहीं, वो सर वो देख रहे हैं कि चले गए, पता नहीं सर उधर से कुछ कोई जो था वो गाना सुनते उधर चले गए। और कहते हैं कि ये देखो, ये जो रोड दिख रहा है आपको बिल्कुल सीधे, ये वो वहाँ पे लाइटें जल रही हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, ये बिल्कुल जो सीधा रोड है, इस रोड में मिट्टी लगा के इसको बंद किया गया ताकि कोई गाड़ी नहीं जाए, फिर भी बाइक वाले आई थिंक जाते हैं इधर से शायद, गाड़ी वाड़ी ना जाए। और ये है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये रोड, ये सीधे जहाँ पे वो लाइटें जल रही हैं, बस इतनी दूर गए, 500 मीटर का ही होगा ये, और यहाँ से ऐसे 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो लोग ये रोड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं इस रोड पर, देखते हैं कि इस रोड पर क्या मिलता है देखने को, एंड क्या हमें वो माँ से बातें होती हैं या वो मुझसे गुस्सा हैं, मतलब जो भी आता है उससे वो गुस्सा होती हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं बात करने का। क्या कोई है यहाँ पे? देखो रोड अगर दिख रहा होगा आपको तो बहुत सुनसान रोड है, बहुत ज़्यादा ही। क्या कोई है यहाँ पे? क्या कोई मुझसे बातें कर सकता है? क्या कोई मुझे अपने होने का एहसास करवा सकता है? ये मिट्टी इसलिए डाली गई है ताकि कोई जाए ना यहाँ से।
क्या कोई अपने होने का एहसास मुझे करवा सकता है? मुझे पता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कोई है? किसी के चलने की आवाज़ है पैरों की, ये देखो। क्या कोई है? देखो सामने गाड़ी आ रही है, वहाँ से वो राइट की तरफ चली जाएगी, सीधा नहीं आएगी क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगा जाके वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है बैरियर लगा के। मैं आपको वहाँ तक जाके दिखा के आऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ हर तरफ। वहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की हुई है और वहीं से ये कुछ हल्का सा हिला है, शायद कोई जानवर था या क्या था, यहाँ से गया और वहाँ से वो राइट की तरफ, अगर उस तरफ की बात करें, अगर उधर से कोई आ रहा है तो उसका राइट, वहाँ से वो गाड़ी मुड़ जाती है। मैं एक बार हर तरफ आपको कैमरा करके दिखाऊंगा। देखो मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं इस रोड पे अकेले ही चल रहा हूँ। और तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। यहाँ की तरफ कोई गया है, देखो नीचे की तरफ ये शायद नदी है या इधर की तरफ खाई है या इस तरफ खाई है, दोनों में से किसी एक की तरफ खाई है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि रात में इतना कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और बहुत ख़तरनाक लग रहा है ये। क्या कोई है जो मुझसे बातें करेगा? मुझे पता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ था और आप अपने, ये कोई आवाज़ है जैसे कोई बातें कर रहा है। मुझे पता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, आप क्या है यहाँ पे कहीं? क्या आप मेरी बातें सुन पा रही हैं? अगर आसपास कहीं हैं तो अपने होने का एहसास मुझे करवाएं कुछ भी करके। ये क्या था भाई? सॉरी मैं आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों को नहीं बोल रहा है क्या था भाई, ये मेरे मुंह से निकल गया। अगर जब डर लगता है ना तो कुछ भी निकलता है, बट ये आवाज़ थी कुछ अजीब सी। देखो दिल में मत लेना कि कई बार जब हम डरते हैं ना तो फंबल होते हैं। ये मिट्टी इसीलिए डाली गई है ताकि रोड किसी वाला, ये रोड चौड़ा उड़ा करने के लिए नहीं डाली गई, रोड काफ़ी चौड़ा है, ये इसलिए डाली गई है ताकि कोई इस रोड से आए जाए ना, क्योंकि चौड़ा हो नहीं सकता। उस तरफ नदी है शायद और इस तरफ लोगों के खेत हैं, खाई है। और ये मिट्टी यहाँ पे, ये आवाज़ थी वहाँ की तरफ, शायद कोई खड़ा है क्या या कोई पेड़ है। एक बार लाइट थोड़ी तेज करता हूँ, यहाँ पेड़ों के पे ऊपर से कोई गया अभी, कुछ तो है। मैं थोड़ा नीचे उतरना चाहिए मुझे और इस रोड पे आगे जाके पुलिस चौकी भी है, तो अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो भी दिक्कत आएगी क्योंकि इस रोड पे किसी को आना जाना मना है। अगर आप आसपास कहीं हैं तो क्या अपने होने का एहसास मुझे करवा सकती हैं? इस तरफ शायद कुछ है, ये नदी है क्या है, मैं देख के आता हूँ एक बार। और ये इसमें पत्थर गिरा है पता नहीं कैसे। देखो नीचे जाके मैं देखना चाहता हूँ कि है क्या। ये अभी यहाँ से गया है और ये मेरे पैरों से तो नहीं गया है, यहाँ बहुत धस कर चलना पड़ रहा है क्योंकि मिट्टी इसकी धसी हुई है बिल्कुल। ओए 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 ओए,
ये पत्थर ऐसे गिरे जैसे मेरे ऊपर कोई गिराना चाहता है। और ये देखो पत्थर दो गिरे हुए हैं यहाँ पे, और ये वो नदी है, ये क्या बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आ रही है। ओए 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 ओए, कौन है ऊपर, कौन है ऊपर, कोई है क्या? कौन है? कोई है जो अपने होने का एहसास मुझे करवा रहा है? कोई तो है, तो अब थोड़ा मुझे डर लग रहा है कि कोई तो है जो नहीं चाहता मैं यहाँ रुकूं। बट मैं फिर भी चलूँगा थोड़ा सा आगे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एंड तक दिखा के आऊँगा। तो गाड़ी आ रही है, वो हाईवे जैसा ही है, और वहाँ से वो राइट की तरफ मुड़ जाएंगे या लेफ्ट की, वो रहा वो रोड। अगर लाइट दिख रही हो तो लाइट कम कर देखो, दिख जाए लाइट जहाँ चल रही है वही रोड है जहाँ कनेक्ट होता है। बट वहाँ से कुछ तो कूदा उस तरफ, तो यार अजीब सा है यहाँ पे। कोई तो है जो अपने होने का एहसास करवा रहा है। मैंने सोचा कि जो मेरे पास एक चीज़ है जिससे कहते हैं कि हम भूतों से ही बातें कर सकते हैं, वो कितनी कितना उसमें सच्चाई क्या है, बट नहीं, बट हाँ 1800 या 1900 रुपये दे के मैंने वो खरीदी है, तो यूज़ करता हूँ मैं, उससे बातें कर सकता है। आप मेरी बातों का जवाब दी, मैं चला जाऊँगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हवाएं बहुत तेज चलने पड़ी पीछे की तरफ। आपका नाम क्या है? पर जिसकी भी रूह है ना, वो बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती किसी से भी। वो आई डोंट नो कि शायद वो किसी को देखने नहीं पसंद करती, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं था। इसलिए मैंने बहुत देर तक ट्राई किया, 15-20 मिनट तक, बट कुछ भी नहीं था। तो आप क्या करते हैं, यहाँ घूमते हैं, पता कोई वहाँ की तरफ, वो वहाँ की तरफ जहाँ लाइट दिख रही है वहाँ पुलिस वाले भी हैं, खड़े होंगे या फिर उनकी चौकी है, तो वो भी दिक्कत हो सकती है। बट फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं एंड करते रहेंगे, अगर उन्होंने पकड़ लिया फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलो चलते हैं और आगे की तरफ। ये देखो जस्ट सामने कुछ हिला है, और मैं आपको हर तरफ दिखाऊंगा, कहीं किसी को लग रहा हूँ कि मेरे साथ कोई है तो मैं आपको हर तरफ कर देता हूँ, कोई भी साथ में नहीं है। और इस तरफ मैं देखूँ तो इस तरफ है खाई, तो अभी चल रहे हैं थोड़ा सा और आगे देखने। कुछ आवाज़ थी, देखो यार किसी की हल्की सी भी आवाज़ ऐसी जगह पे आप हो तो डर लगता है। हल्की सी आवाज़ भी डरा देती है। उई, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया भाई? और मैं आगे देख रहा हूँ, कोई है, कोई है, देखो कोई तो गया, कोई तो गया, कोई तो था। किसी औरत की बात करने की आवाज आ रही है। देख कोई तो है, अपने होने का एहसास करवा रहा है। कैमरे में कुछ भी कैप्चर हो तो जरूर बताना। उस तरफ कोई है आई थिंक, क्योंकि मेरे को लग रहा था इस तरफ कोई है। कोई है? देखिए मैं सिर्फ आपसे बातें करने आया हूँ। यहाँ की तरफ, उई, ये मेरे पैर से नहीं गया। वो देखो यहाँ की तरफ, मुझे लगा था कि कोई गया है, बट यहाँ झाड़ी है, मैं जा नहीं सकता। मैं नीचे उतरता हूँ फिलहाल।
कोई तो है। देखो तो शक्तियाँ दिखती नहीं है बट अपने होने का एहसास करवाती हैं, तो वही करवा रही है फिलहाल। मैं आगे की तरफ देखूं तो आगे की तरफ मिट्टी नहीं है, रोड काफ़ी चौड़ा है और बस इतनी मिट्टी डाली गई है ताकि रोड, देखो मिट्टी यहाँ तक डाल। ओ ये क्या है, ओ ये क्या है, ओह शिट यार, ये कुत्ता है, इसकी आंखें जो चमक रही थी मैं डर गया। अरे भगवान, ये देखो इसकी आंखें देख के मैं डर गया। अगर आंखें देखो नहीं दिख रही है। ओए 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 भाई, वो कुत्ता भी चला गया। आगे की तरफ चल रहा हूँ बस आप लोग को दिखा रहे। वो ट्रक जहाँ से गया है वहाँ पे पुलिस वाले हैं, वो बंद। कोई है, किसी की आवाज़ आ रही है तो मैं वो ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा, वहाँ पुलिस वाले हैं। अगर उन्होंने देख लिया, इस रोड पे आना सबका मना है, अगर उन्होंने देख लिया तो 40 क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ नहीं, समझाएंगे। पुलिस वाले भी अच्छे होते हैं, समझाएंगे बस कि ऐसे मत आओ इस रोड पे क्योंकि सेफ नहीं है। तो वहाँ की तरफ है, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि उन लोगों ने देख लिया 40 क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, एंड वो लोग हैं हमारी सेफ्टी के लिए तो ज़रूरी है उन लोग की बातें ही मानना। फिलहाल मैं देखो यार कुछ चल रहा है, यहाँ की तरफ कुछ चल रहा है, कोई तो जा रहा है, कोई तो गया यहाँ से, कोई तो गया यहाँ से, यहाँ की तरफ से कोई तो गया था, यहाँ की तरफ कुछ तो गया था यार। ये फिर से आवाज आ रही है, कौन है? वो देखो वो देखो, वो पूरा हिल रहा है, यानी किसी के पायलों की आवाज है, किसी के पायलों की आवाज है। हवा देखो ऊपर कुछ नहीं हिल रहा इतना, ये पेड़ हिल रहा था। एंड कोई दिख तो नहीं रहा है, ये फिर से पायलों की आवाज़ आ रही है, ये फिर से पायलों की आवाज़ आ रही है। और वहाँ पे कोई है, गाड़ी के पास दो तीन लोग हैं, ज़्यादा चोर वोर तो नहीं है, मैं देख के आऊँ एक बार। गाड़ी के पास कोई है, गाड़ी के पास कोई है, चोर वोर तो नहीं है, कहीं गाड़ी का शीशा वीशा तोड़ दें। ये दो लोग हैं तो देखा जाएगा जो भी होगा। ये बाइक मोड़ रहे हैं फिलहाल तो बैठ के अपनी बाइक पे, और पायल की आवाज़ फिर से आ रही है, उन्होंने बाइक स्टार्ट कर लिया। ये गाड़ी में तो कुछ चोरी नहीं कर रहे थे, बहुत जल्दी देखना पड़ेगा। और ये निकल रहे हैं, ये भाग क्यों गए मेरे को देख के, ये भाग गए चले गए, यहाँ पे खड़े थे एंड ये चले गए, वो चले गए। ये चोर वोर भी हो सकते हैं, थोड़ा रिस्की है यहाँ पे। देखो बाइक हो जा रही है उनकी, चलेगा यहाँ पे खड़े थे, और मैंने कार की लाइट ऑन कर रखी है ताकि मेरे को कार दिखती रहे, क्योंकि ये लाइट ना थोड़ी देर पहले जली थी और ये बंद भी हो जा रही है। कार की लाइट मैंने इसलिए भी ऑन कर रखी है ताकि उनको लगे कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है। वो खड़े रुको, वो गाड़ी बाइक खड़ी कर रखी उन्होंने, थोड़ा सा तो डर लग रहा है फिलहाल कि मेरे को देख के वो भाग क्यों गए। उनको शायद लग रहा होगा कि मैं तीन चार लोग हैं क्योंकि लाइट के पीछे वो दिखता नहीं है। अभी वो खड़े हैं वहाँ पे बाइक, ये कुछ हो रहा है। एंड कहीं किसी फार्म हाउस में सॉन्ग बज रहे हैं तो कॉपीराइट ना आ जाए मेरे पे। एंड वो लोग बाइक पे खड़े हैं, एंड वो दिख रहा होगा आपको, वो बहुत जूम करता हूँ मैं,
मेरे को थोड़ा गाड़ी लाइट बंद कर दी उन्होंने, मेरे को गाड़ी में बैठना चाहिए तो, क्योंकि सेफ भी नहीं यार कोई है यहाँ पे, और मैं अकेले हूँ, वो दो लोग थे, इन्होंने लाइट बंद कर दिया फिलहाल तो। कोई तो आया था बाइक पे एंड वो लोग सामने की तरफ ना मेरे को दिखे थे एंड बाइक उन्होंने जाके अपन झाड़ी थी क्या थी वहाँ जाकर उन्होंने बाइक बंद कर दी, तो मेरे को थोड़ा सा सेफ नहीं लगा क्योंकि ऐसे अकेले होते हो ना तो दिक्कत होती है। एक होता है कि सेफ्टी है बट उसका यूज़ ना करना पड़े, और ऐसे वो साथ चोर वोर लोग भी हो सकते हैं। गाड़ी मैंने ऐसे लाइट जला रखी थी जैसे अभी तक जली पड़ी है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैठा, मैं दो तीन बैग रखे हुए हैं ना ताकि बाहर से कोई देखे तो लगे गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, ये बंदा अकेले नहीं है। एंड मैं सामने की तरफ देखूँ तो कोई दिख रहा है, वो वहाँ की तरफ कोई दिख रहा है मुझे, वहाँ पे कोई है तो कैमरा इतना जूम करो फट जाए, वो देखो वहाँ पे कोई है, और ये इतना फोकस नहीं कर रहा है, और ये कुछ है, ये ब्लैक ब्लैक सा, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, इसमें गाड़ी हटा दी। लास्ट में वो जो भी थे वो मेरी तरफ आने लग गए क्योंकि उनको दिख गया लाइट में कि बिंदा अकेले ही है गाड़ी में, तो शायद कुछ तोड़ वोड़ सकते थे गाड़ी या फिर चिरापटी कर सकते थे, बट मैंने गाड़ी स्टार्ट किया वहाँ से भाग गया। मैं वहाँ पे करना चाहता था, आगे करना चाहता था, मैं इस वीडियो को दो तीन लोग को साथ आऊँगा क्योंकि सेफ्टी नहीं लग रही थी मुझे, मैं दो तीन लोग के साथ आऊँगा एंड तब बनाने की कोशिश करेंगे, तब उस माँ से बात करने की कोशिश करेंगे एंड उसको शायद मुक्ति दिलाए, उसको कोई दिलासा दें जिसकी वजह से उसको आत्मा को शांति मिले, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि माँ तो माँ होती है। मिलते सर को नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे खतरा था चोर का इसलिए मैं कर नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मिलते सर को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक कमेंट से चैनल पहले सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, रिक्वेस्ट है। देखो आपका आपके लिए इतना मेहनत करता है तो आप लोग का काम क्या है, लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते सर को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।